हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड एट एक्टिविटी टेन पॉइंट टू यूज़ द डेटा गिवन इन एक्टिविटी टेन पॉइंट वन टू ड्रॉ अ ग्राफ राइट तो टेन पॉइंट वन में जो डेटा दिया गया है उसका ग्राफ ड्रॉ करने का है राइट एट ईयर्स वाले बॉयज़ गर्ल्स का कितना है नाइन ईयर्स वाले का कितना है राइट right? तो so उसका ग्राफ यहाँ बता गया बताया गया है टेक द एज ऑन द एक्स एक्सिस एंड द परसेंटेज ग्रोथ इन हाइट ऑन वाई एक्सिस राइट right. तो ऐजिस जो है वो एक्स एक्सेस पर है परसेंटेज ग्रोथ यहाँ पर है ओके हाइट हाईलाइट द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग योर एज ऑन द ग्राफ फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हाइट यू हैव ऑलरेडी रीच कैलकुलेट द हाइट यू माइट इवेंचुअली रीच टेली योर ग्राफ विथ वन गिवन हीयर तो यहाँ ग्राफ में बताया गया है राइट एक्स एक्सिस पर ही है राइट right, और वाई एक्सिस पर परसेंटेज है फिर नीचे वाली जो रेड लाइन है वो बॉयज़ की है और ऊपर गर्ल्स की लाइन है ओके देन इनिशियली तो यहाँ सब हम चेक कर सकते हैं एट इयर्स के बॉयज़ और गर्ल्स में यहाँ पर कितना दिया गया है तो सेवेंटी टू एंड सेवेंटी सेवन राइट right. तो सेवेंटी टू एंड सेवेंटी सेवन ओके ये सेवेंटी टू है ये सेवेंटी सेवन है राइट right. ऐसे फिर दूसरे में चेक कर सकते हम सेवेंटी फाइव एंड एटी वन तो सेवेंटी फाइव ये सेवेंटी फाइव है और ये एटी वन है ओके okay. उसके बाद कितना दिया गया है सेवेंटी फाइव एटी वन के बाद सेवेंटी एट एटी फोर ओके okay, तो सेवेंटी एट यहाँ पर सेवेंटी एट है ये एटी फोर है राइट एटी फाइव की लाइन के नीचे ओके एटी फाइव इधर है तो ऐसे सारे बताए गए हैं ग्राफ के अंदर राइट right, नीचे वाली लाइन बॉयज़ की ऊपर की गर्ल्स की है ग्राफ शोइंग परसेंटेज ऑफ हाइट विथ एज राइट right, परसेंटेज ऑफ हाइट है और एज है ये परसेंटेज ऑफ हाइट और ये एज ओके okay, initially girls grow faster than boys but by about 18 years of age both reach their maximum height right 18 years of age hoti hai yahan par bataya hai 18 years of age barabar to dono ka height growth same ho jata hai starting mein girls ज़्यादा height बढ़ती है girls की Right. लेकिन जब 18 years होता है तो दोनों equal हो जाते हैं द रेट ऑफ़ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स राइट अलग अलग पर्सन में रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट अलग अलग होता है सम में ग्रो सडनली एट प्यूबरटी एंड देन स्लो डाउन राइट प्यूबरटी के टाइम पर सडनली हाइट बढ़ सकती है और फिर धीरे धीरे कम हो जाती है स्लो डाउन हो जाती है वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली राइट तो दूसरों जो होते हैं वो धीरे धीरे उनकी हाइट बढ़ेगी आई एम बरिड दो आई हैव बिकम टॉलर माई फेस लुक्स मच स्मॉलर राइट मुझे चिंता है कि मेरी हाइट तो बढ़ गई मैं टॉल हो चुकी हूँ लेकिन मेरा जो फेस है वो अभी छोटे बच्चों मतलब छोटा ही दिख रहा है कंपेयर टू माई बॉडी मतलब हाइट ज़्यादा और फेस छोटा तो उसके लिए मुझे चिंता है देर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डो नॉट ग्रो एट द सेम रेट बॉडी के सारे पार्ट सेम रेट से ग्रो नहीं होते राइट right? तो कोई जल्दी ज़्यादा जा, बड़ा हो जाता है कोई धीरे धीरे बढ़ता है राइट बॉडी पार्ट्स समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फ़ीट ऑफ एडोलसन लुक ओवर साइज राइट तो कभी कभी क्या होता है आर्म्स एंड लेग्स हैंड्स एंड फीट वो ज़्यादा बड़े हो गए ऐसा लग रहा है आउट ऑफ प्रपोशन विद द बॉडी राइट तो बॉडी के प्रपोशन में देखेंगे हम तो ज़्यादा बड़ा क्या क्या हो जाता है आर्म्स लेग्स एंड हैंड फिट बाड़ी बाकी जो बॉडी पार्ट्स है उनका ग्रोथ धीरे धीरे होता है बट सुन द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन अ प्रपोशनेट बॉडी राइट और उसके बाद बाकी सारे बॉडी पार्ट्स भी बढ़ जाते हैं यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मॉर और लेस राइट कोई इंडिविजुअल का देखेंगे हम तो उसकी हाइट ज़्यादा या कम हो सकती है टू दैट ऑफ सम फैमिली मेंबर राइट तो, right? तो फैमिली मेंबर की हाइट के साथ हम कंपेयर करेंगे ओके okay, तो किसी की हाइट बड़ी होगी किसी की छोटी होगी दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स तो राइट right? तो हाइट किसके ऊपर डिपेंड करती है जीन्स हाइट डिपेंड्स ऑन जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स पेरेंट्स के अंदर से जो जीन्स आते हैं राइट क्रोजो क्रोमोजोम में से तो उसके ऊपर से हाइट किसी की बढ़ती है किसी की कम होती है किसी की हाइट बड़ी हो जाती है तो सब उसको पूछने लगते हैं कि आपने क्या खाया था जो इतनी हाइट बढ़ गई आपने हॉर्लिक्स पिया था राइट आपने बॉनविट ज़्यादा खाया ऐसा सब लोग पूछने लगते हैं राइट पर्टिकुलरली मी मतलब मेरी हाइट बढ़ी तो सब बच्चे मुझे पूछते हैं सर आपने क्या खाया था आप बच्चे थे तब लेकिन ऐसा खाने पीने से कुछ होता नहीं है राइट बॉनवीटा हॉल डिक्स ये सब खाने से हाइट नहीं बढ़ती है इट इज़ हाउ एवर वेरी इम्पोर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड राइट राइट काइंड ऑफ फूड हमें खाना पड़ता है ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स तो ग्रोइंग ईयर्स के टाइम पर हमें क्या खाना पड़ेगा राइट काइंड ऑफ फ़ूड हमें खाना पड़ेगा न्यूट्रिशियस फ़ूड राइट ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग दिस हेल्प्स द बोन्स मसल्स एंड अदर बॉडी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नॉरिशमेंट फॉर ग्रोथ राइट तो उसकी वजह से बोन्स मसल्स अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी उनको एडिक्वेट नॉरिशमेंट फॉर ग्रोथ मिलता है राइट right, उनका ग्रोथ अच्छा होता है यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसन डिस्कस्ड लेटर इन द लेसन राइट तो एडोलसनस का न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है वो लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे मतलब किसी की हाइट बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि उसने ज़्यादा हॉर्लिक्स पिया है या तो बॉन्न मीठा खाया है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है जीन्स के ऊपर राइट right? कि पेरेंट्स में से कैसे जीन्स उस कौन से जीन्स उसके अंदर आते हैं राइट right? तो जीन्स के ऊपर से हाइट बड़ी या छोटी होती है ऐसा नहीं कि हॉर्लिक्स पीने से बॉनविटा खाने से ओके नाउ चेंज इन बॉडी शेप बॉडी शेप कैसे चेंज होता है हैव यू नोटिसड दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स राइट बॉयज जो है उनका शोल्डर्स ब्रॉड होता है एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर क्लासेस जो बड़े क्लास के बच्चे होते हैं उनके शोल्डर्स ब्रॉडर होते हैं राइट right? और जूनियर क्लासेस के ब्रॉडर नहीं होते छोटे होते हैं दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी राइट तो एज ऑफ प्यूबर्टी पर वो पहुंच चुके होते हैं इसलिए उनके शोल्डर्स ब्रॉडर होते हैं वैन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन तो एज और प्यवर्टी पर पहुँचते हैं तो शोल्डर्स क्या होते हैं जनरली ब्रॉडर ब्रॉडन होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ राइट ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम बिकम्स वाइडर इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनंटली न द गर्ल्स राइट यहाँ लिखा जाए द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनटली देन द गर्ल्स बॉयज़ के अंदर तो मसल्स ऑफ द बॉडी ज़्यादा अच्छे से ग्रो हुए होते हैं और गर्ल्स के मुताबिक के कंपेरिजन में राइट right? इसीलिए सब अपने डोले सोले दिखाते रहते हैं बॉयज दस चेंजेस अकरिंग इन एडोल्ट बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट ओके तो बॉयज और गर्ल्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो अलग अलग देख एडल्सन टाइम मतलब देखने को मिलते हैं कौन से टाइम पर एडल्सन के टाइम पर देन वॉइस चेंजेस वॉइस चेंज तो बॉयज़ की जो वॉइस है वो कैसे होते हैं एकदम कड़क होते हैं और गर्ल्स का एकदम पतला होता है डीडी यू नोटिस दैट समाइम्स यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये भी अभी कर लेते हैं डिड यू नोटिस दैट सम टाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ़ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स राइट तो आपने कभी देखा कि बॉयज़ का जो वॉइस है वो क्रैक होता है एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिनस टू ग्रो तो वॉइस बॉक्स या तो लैरिंग्स जिसको बोलते हैं वो बिगिन टू ग्रो होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर राइट बॉइस डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन वॉइस कैन बी सीन एज प्रोट्रडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल राइट इन गर्ल्स द लेरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज तो गर्ल्स के अंदर जो उनका लेरिंग्स है वो हार्डली देखने को मिलता है जनरली गर्ल्स है हाई पिच वॉइस गर्ल्स का हाई पिच वॉइस होता है राइट right. जनरली हम कहीं से अगर टेरेस पर सोते हो और कई कभी कभी आवाज़ सुनते हैं तो जो उसमें मेल वॉइस है वो कम आता है और फीमेल वॉइस दूर तक पहुंचता है वेर वॉइस है डीप वॉइस राइट तो गर्ल्स का वॉइस हाई पिच वॉइस वो, होता है और बॉयज़ का डीप वॉइस होता है इन एडोल्ट वॉइस समटाइम्स द मसल्स ऑफ ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम्स हॉर्स राइट तो वॉइस का वॉइस वॉइस कैसा होता है हॉर्स हो जाता है दिस स्टेट में रिमेन फॉर फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल राइट नॉर्मल होते टाइम तक ये ऐसा होता है राइट right? यहाँ पर बताया एडम्स एप्पल कैसा होता है राइट right? ऐसा गला बाहर निकला हुआ होता है इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं एडम्स एप्पल राइट right? many of my classmates have a horse voice now i know why then increased activity of sweet and sebaceous glands we'll do next video